ये यहाँ पर हमारा जो रात का खाना खाया था हम लोगों ने, वही प्लेट्स पड़ी है। ये है रूम जो हमने दोबारा से ली थी, और गैलरी भी काफ़ी अच्छी है इसकी। ये देखो लंबी सी गैलरी है, काफ़ी अच्छा नज़ारा दिखता है यहाँ से। देखिए काफ़ी लंबी सी गैलरी है। ये यहाँ पे अद्वीक हो गया है रेडी जाने के लिए, और माही भी हो गई है रेडी। भाई फैन ऑफ कर दो बेटा। और सब कुछ अभी हो गया है यहाँ पर। माही आपकी भूख? माही की पढ़ाई लेके आई थी माही यहाँ पे। हाँ हाँ, अद्विक की सैंडल भी ले लेना। ये सैंडल ले लो माही। और आप? मैंने तो बूट पहने हैं ना। और चिप्स? और चिप्स मैं खाते खाते। और ये सामान मैं ले लेते बाकी का। चलो चलो खाली आ जाओगे नीचे। हाँ। रुको 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 रुको, दो मिनट रुक जाओ। नहीं नहीं माही, अरे हाथ गंदे आप, अरे रहने दो रहने दो। हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम कंचन। सो गाइस, यहाँ पर आप लोगों को बताइए, रात को आए थे हम लोग। एक्चुअली बहुत बड़ा मतलब लोचा हो गया था। हम लोग गए थे उस वाले होटल में, मतलब कौन से, जो एमटीडीसी वाला है, बट वहाँ पर वाईफाई नहीं था और मेरा वाईफाई के बिना काम नहीं चलता है, तो इसीलिए फिर हम लोग मतलब वाईफाई भी नहीं था, बहुत सारे प्रॉब्लम थे यार वहाँ पे। मतलब एक तो रूम पसंद नहीं आया, रूम मतलब जो कॉटेज हमें दिया था वो एकदम साइड का दिया था, नीचे दिया था, वहाँ पर ना खुद का नेटवर्क, ना टीवी चल रही थी, टीवी में भी कुछ भी नहीं था, रिचार्ज नहीं था, फ़ोन नहीं चल रहा था, बहुत सारे प्रॉब्लम थे वहाँ पे। और पैसा और बोला हाँ, एसी का, हाँ एसी एसी का रिमोट था लेकिन सेल गायब थे एसी के रिमोट से, तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया वहाँ पे। फिर हम लोगों ने बोला कि हमें नहीं करना है ये। हम लोग गए तो थे वहाँ पे, लेकिन हम लोग फिर कैसा लगा था हमको वो वाला कॉटेज, कैसा लगा था? एकदम बकवास था, जितना दिन बताया उतना कुछ भी नहीं था उसका। हाँ, और कितना रेंट था उसका, मतलब चार्जेस कितने थे? 5,000 रुपये। देखो 5,000 रुपये उस कॉटेज का चार्जेस थे, बट उसमें कुछ भी नहीं था। तो हम लोग वापस चले आए, यहाँ पर आए तो मतलब खाना खाने का टाइम भी निकल गया था यार। फिर हम लोगों ने यहाँ पर ही मंगा लिया था ये खाना, रूम में ही मंगा लिया था, क्योंकि रेस्टोरेंट बंद होने का टाइम था। और हाँ, मम्मी का बर्थडे भी था, तो मम्मी के मतलब वीडियो कॉल भी चल रहा था, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम निकल गया हमारा। फिर हम लोग यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर फिर सो गए। अच्छा ये वाला रूम मतलब ओयो रूम है, अच्छा है। और आपको होटल का नाम भी बता दूंगी, कौन सा होटल है, क्या नाम है? स्टारडम, स्टारडम होटल है। हाँ मैं आपको बता दूंगी कि कौन सा होटल है, अच्छा है, सर्विस भी अच्छी है उनकी, सारा रूम में लाके दिया उन्होंने, सब कुछ अच्छे से करके दिया। ये सब हुआ हमारे साथ, इसी वजह से फिर हम लोग यहाँ पर आ गए और यहाँ पर रुके रात भर। अभी हम लोग जा रहे हैं सारे पॉइंट्स देखने, तो वहाँ पर जाएंगे और उसके बाद निकल जाएंगे यहाँ से। तो चलिए निकलते हैं, सबसे पहले तो ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट भी नहीं किया है हम लोगों ने अभी तक, तो भूख लग गई है यार, जल्दी से ब्रेकफास्ट करते हैं और उसके बाद फिर जो भी होगा वो आगे आप देख ही लोगे। हे गाइस, क्विकली आपके साथ एक प्रोडक्ट का रिव्यू शेयर कर देती हूँ, वो है नाम्या स्किन केयर का हेयर रिमूवल क्रीम फॉर इंटीमेट स्किन। आप इसे इंटीमेट एरिया के हेयर रिमूव करने के लिए यूज कर सकते हो। जो दूसरी क्रीम्स आती है हेयर रिमूव करने के लिए, उससे ये क्रीम किस तरह से अलग है वो पहले बता देती हूँ आपको। ये जो नाम्या की हेयर रिमूवल क्रीम है वो स्पेशली बनी है इंटीमेट एरिया के हेयर रिमूव करने के लिए। इसकी वजह से इसमें ऐसे कोई भी हार्मफुल केमिकल्स नहीं है जिससे आपकी स्किन खराब होगी। और इस क्रीम में है नेचुरल कैमोमाइल एक्सट्रैक्ट। बहुत लोगों के अलग अलग तरीके होते हैं इंटीमेट एरिया के हेयर रिमूव करने के, कोई रेजर यूज करता है, कोई क्रीम यूज करता है। रेजर से क्या होता है, कट लगने का डर रहता है, उसके बाद अगर क्रीम यूज करते हो तो उससे आपकी स्किन ब्लैक होने का डर रहता है, बट ये जो क्रीम है इससे आपकी स्किन ब्लैक नहीं होगी। इस बॉक्स में आपको इस तरह से एक क्रीम का ट्यूब मिलता है, उसके बाद आपको ये स्पैचुला मिलता है हेयर रिमूव करने के लिए और क्रीम अप्लाई करने के लिए, उसके बाद आपको इसमें ये स्मूदनिंग एंड कामिंग आफ्टर वैश सीरम मिलता है। इस हेयर रिमूवल क्रीम को यूज करने के बाद आपके हेयर रिमूव हो जाएंगे, उसके बाद आपको इसे अप्लाई करना पड़ता है इस सीरम को। इसकी वजह से आपकी स्किन पे जलन नहीं होगी, रैशेस नहीं होगी, आपकी स्किन सूदिंग होगी। क्रीम को अप्लाई करने के बाद जस्ट 5 मिनट में आपके हेयर रिमूव हो जाएंगे। स्पेशली ये उसी के लिए डिजाइन की हुई है, तो इसी वजह से आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जस्ट आपको इसे अप्लाई करना है इस तरह से और 5 मिनट के बाद आपको इसे निकाल लेना है, आपके हेयर ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएंगे। उसके बाद आपको सिंपल पानी से वॉश कर लेना है, टॉवल से ड्राई करना है और उसके ऊपर ये सिरप अप्लाई करना है जो इसके साथ मिला है,
और इसे अप्लाई करने के बाद इस तरह से आपको इसे अप्लाई करके छोड़ देना है। इसको यूज करने से आपकी स्किन में जलन नहीं होगी, आपकी स्किन पे ठंडक महसूस होगी और आपकी स्किन ब्लैक नहीं होगी। तो गाइस ये सारे फायदे हैं इस नामिया हेयर रिमूवल क्रीम को यूज करने के। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपके हेयर रिमूव हो जाने के बाद आपकी स्किन ब्लैक हो जाती है, तो वो इससे नहीं होगी। तो गाइज इसे आप अपने बिकनी लाइन हेयर को रिमूव करने के लिए यूज कर सकते हो, आप इसे अंडर आर्म्स के हेयर को रिमूव करने के लिए यूज कर सकते हो आप। और गाइज अगर आपको इसे परचेस करना है तो लिंक मैंने आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। चलो जाना हाँ जो अरे वाह ओपन जिप से बैठे हम लोग अभी। जंपिंग हो रहा है, कैसा लग रहा है भाई? मुझे बहुत मजा आ रहा है। ये हमारा नाश्ता ब्रेकफास्ट आ गया है। ये बॉयज का आने का है और अच्छा लग रहा है। ये है श्री कृष्णा होटल। हाँ ठंडी तो लगेगी ना, हम लोग हिल स्टेशन पे आए तो हिल स्टेशन पे ठंडी नहीं लगेगी तो गर्मी लगेगी क्या? हाँ फ्रिज जैसे पानी लग रहा है, ये नॉर्मल वाटर है। ये है, ये सबका नाश्ता तो हो गया है। मेरा नाश्ता ये है सांबर बड़ी, सांबर वड़ा, सॉरी मैंने धोए लिया, सांबर वड़ा गर्ल्स का है वो। ये गर्ल्स का नाश्ता, मैंने भी गर्ल्स का खाया है, टेस्टी बहुत है। लेकिन और कितने दिनों से मुझे सांबर वड़ा खाने का मन कर रहा था, मैं कितने दिनों से 8-10 दिनों से सांबर वड़ा कर रही थी और बाहर जाने का मौका ही नहीं मिल रहा था। और यहाँ पर 2-3 चीजें ही अवेलेबल है, सिर्फ सांबर वड़ा, समोसा और क्या है, आलू बंडा, आलू बंडा कचौरी, यही सब है। उसमें सांबर वड़ा मुझे मिल गया। अभी ये खाने के बाद हम लोग, मतलब ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोग जाएंगे घूमने पॉइंट देखने। हमने वो जिप्सी कर लिया है, चिल्ला रहा था जो घूमते समय, जिप्सी कर लिया आपने तो देखी है, दूर से दिखा दूंगी आपको कैसी है, आगे देखने को मिलेंगे, आगे आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। और इतना जबरदस्त लग रहा है उसमें बैठने के बाद, मैं तो ओपन जिप्सी में पहली बार बैठी हूँ। आप भी ना, आप स्कूल ट्रिप में गई थी? मैं स्कूल ट्रिप में गई थी बट मैं नहीं, मैं स्कूल ट्रिप में नहीं गई थी भाई, मैं पहली बार बैठ रही हूँ। मजा आ रहा है लेकिन, ले लेके ओपन जिप्सी उसी को बोलना है, आप वैसे दे दो पैसे, ले लो ये जिप्सी ले जाएंगे अपने घर पर। नहीं वो थोड़ा सा वो है, मतलब वो यूज कर चुकी है उन्होंने, न्यू ब्रांड लेके ठंडी बहुत है, लेकिन जैकेट लाना था मैंने, क्यूट टिक रहा, लेकिन इसके बाल देखो पहले दिखाती हूं आपको। अभी मैं आपको ऐसे इतने ठंडी नहीं लगने दूंगा। नहीं आप पापा तो स्ट्रांग है एकदम, मौसम अच्छा है ना, मौसम अच्छा है, ठंडा कितना है। वो आर्मी में रह के आदत हो गई है इस मौसम की। हाँ आपका तो स्टाइल निकल गया, स्टाइल निकल गया इसका पूरा। हाँ लेकिन वो छोटी थी ना उस टाइम।
कॉफ़ी सच में बहुत पसंद आती है मुझे। पिछली बार भी हम लोग आए थे तो कॉफ़ी यहाँ की लेके गए थे, लेके गए थे वो दस। बढ़िया कॉफ़ी है। चलो चलो भाई बैठो। बैठ जाओ। कितना मजा आ रहा है। अब पॉइंट दिखाती हूँ आपको, इतना जबरदस्त नजारा है यहाँ से। देखो बहुत छुपा ले रहा है बारिश की वजह से। ठंड लग रही है, कुछ नहीं हो जाएगी तो। वाओ कितना ज्यादा अच्छा लग रहा है यहाँ से। मजा आ रहा है ग्रीनरी का। हाँ इस मौसम में अच्छा लगता है ये सब कुछ। और मैं देखो चलो ये बारिश की बूंदें। शूज एक्सचेंज कर लिए हम लोगों ने। हाँ चलो 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 लेकिन वो बहुत ज्यादा छोटा नहीं हुआ, थोड़ा सा नीचे चाहिए। वाओ वैसे फिट आ जाती है। माही का क्राउन चलो।
पहले से ये किला और फॉरेस्ट गार्डन बंद रखे सर इसको। अच्छा कोविड की वजह से बंद कर दिया? हाँ सर चालू करे थे लेकिन अभी 15 दिन पहले इसको बंद करवा दिए सर इसको। एक दिन घूमने के लिए बहुत बड़ा है। हाँ सर इधर के घूमने से इधर कोने तक का सर अंदर साइड में इधर कोने में रानी के झरो के पास में इधर वगैरह तोप वगैरह रखी है सर इधर। अच्छा किस राजा का था ये? गौली राजा का था सर, गोंड राजा। अच्छा काबिलगढ़ किला। अच्छा अभी देखने लायक यहाँ पे कुछ नहीं क्या? मतलब अभी उसको बंद रखे जैसे अगर आपको जाके फोटो अगर निकालना तो आपको यहाँ से बदल जाना पड़ेगा। अच्छा 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 मतलब अभी चालू करने से 3-4 दिन तक चालू रहा है फिर से बंद कर दिया। अच्छा और उसके अंदर रिपेयरिंग का भी पूरा काम चल रहा है अभी। ये सामने रूम भी अभी निकाले इन्होंने। अच्छा सामने साइड में पॉइंट वगैरह नहीं है थोड़ी देर रुक जाते इधर। ठीक है ना इसको हवा खांटी करके नाम दिया हुआ सर। हवा खांटी। फॉग बढ़िया दिख भी नहीं रहा कुछ आगे का क्या है तो फॉग की वजह से। लेकिन एक ही पॉइंट से खड़ा हो कि 3-4 पॉइंट दिख जाते सर। अच्छा अच्छा वैसे टोटल कितने? 12-13 पॉइंट है सर। टोटल 11-13 पॉइंट है। हाँ लेकिन जैसा वो एक ही पॉइंट जाकर देख के खड़े हुए इधर में एक पॉइंट दिख गया था दूसरी साइड में दूसरा पॉइंट दिख गया था। अच्छा अच्छा इसी वजह से जैसा मैंने 8 पॉइंट करके बता दिया। अच्छा सफारी सर वो लेकिन अक्टूबर नवंबर से शुरू होती है। वो जानवर वगैरह दिखती क्या फिर? गर्मी के टाइम पे दिखते ना सर। अच्छा सर ये बारिश के टाइम पे दिखते? नहीं सर क्योंकि पूरा जंगल पूरा हरा हो जाता सर। अच्छा दिखेगा नहीं सर सिर्फ यहाँ पे चिकल धारा में यार धरती पर। हाँ वालू के टाइगर के भी नहीं है। टाइगर के सिर्फ जो भैंस गाय वगैरह इसके सर। टाइगर तो दिखते भी नहीं लोगों को ज्यादातर सर। आप ये 15-20 दिन पहले ये जो ऑफिस बताया ना सर वहाँ पर शाम में 5:30 बजे आया था जिनमें बैस मारा था सर। टाइगर? हाँ बैस मारा था। हम लोग जंगल सफारी के लिए बुक कर रहे थे बट इनके फ्रेंड ने बोला कि वो बंद कर दी गई है। कल बोले कि देखते हैं हम लोग फिर आज बताया उन्होंने बंद कर दी गई। यहाँ के सभी कल गए थे सभी ड्राइवर और गाइड और कलेक्टर के पास में। अच्छा तो बताने में क्या हुआ फिर? अरे मतलब गार्डन टाइप में है यहाँ पे अभी। हाँ बस चिकन धारा में ज्यादातर इसका फॉरेस्ट वाले का देखने लायक कुछ है नहीं। नहीं सर पर यहाँ का जो लोगों का उपजीविका है वो इसके ऊपर ही चलती है पूरी। बस अभी सर सिर्फ 4 महीने सर। 4 महीने के बाद बस खेती काम? नहीं खेती वगैरह जो ठेकेदार लोग हैं उनका काम चलता है। हाँ और गाड़ी वगैरह जो बाहर की चलते जो सब बाकी गाड़ियाँ वाले हैं वो उतना चलता बस। अच्छा वगैरह सब बंद ही हो जाती सर। जो सफारी चल रही थी बस उतना रहता सर। एक ही हरिकेन पॉइंट है सर व्यू पॉइंट है अभी। अच्छा अच्छा अभी
अभी जैसे ये पॉइंट से सर अगर खड़े रहेंगे तो तीन चार पॉइंट दिख जाते सर। अच्छा, उसी में काउंट हो जाता है। मतलब वो तो बताते नहीं सर, जैसे कि एक ही जगह से सब हो जा रहा सर। अभी ये लेफ्ट साइड में सर अभी काम चल रहा है शिव सागर पॉइंट का सर। अच्छा, ये एक पॉइंट वो आ जाता है बाजू में शक्कर लेक पॉइंट है सर, तालाब है सर। और ये राइट साइड में उधर साइड में सर गोरा घाट पॉइंट है, लेकिन वो तो अभी स्काई वॉक पे बंद रखे सर। थोड़ा आगे तक लेके जाओगे? ये यहाँ से बंद है मैडम। अच्छा, ये वहाँ से बंद है काम चल रहा है मैडम। अच्छा, टर्न कर लो फिर, हमें उतरने की जरूरत ही नहीं है। ये पुलिस रजिस्टर। अच्छा, ये अपने फायदे के लिए बनाया है। चलो गेस्ट हाउस है, पुलिस वाले जो अधिकारी है ना, उनके लिए वगैरह रेस्ट हाउस है, उनके लिए आया हुआ है। हाँ सर, चले क्या? अच्छा अच्छा अच्छा, चलो बस यहाँ से जो सर बड़ा पत्थर दिख रहा है सर, काला पत्थर नेचुरली बैलेंसिंग स्टोन सर। बाप रे, जाके फोटो निकालते हैं। लेकिन वो डेंजर काम है, मतलब डेंजर नहीं है वो, सभी बैलेंस अगर गया, रिस्की काम है ये। ये फोटो के चक्कर में कितने लोगों की जाने गई हुई है ना। ये देखो कितना बड़ा पत्थर है, पुराना एमटीडीसी है सर। हाँ, साइड में उनका एक सपोर्ट आ रहा था, तो पहले एमटीडीसी वालों ने काम रोक दिए थे कि हमारे कंपाउंड में आ रहा, उनने कुछ डिमांड करे थे। अच्छा, बढ़िया है ये तो, कांच का ये पुल बनने वाला है यहाँ पे पूरा ग्लास वाला, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये टावर तक है ना। जबरदस्त, यहाँ पर देखो हालत खराब हो गई है बारिश की वजह से हमारी। सुखा सुखा के इन्होंने तो टी शर्ट भी चेंज कर लिया है। अभी बाय बाय बोलने का टाइम आ गया है चिकलदारा को, एक मिनट, चिकलदारा को बाय बाय बोलने का टाइम आ गया है। बाय बाय चिकलदारा, चलिए मिलते हैं अगले साल, पता नहीं अभी कब आएंगे। भीमकुंड के ना बैलेंसिंग पॉइंट के ना, पंचकुल के ना। बाहर और ठंडे लग रहे हैं। देखो ये पवन चक्की है, ये लो अद्विक। दोनों माई दीदी, हाँ चलेगा ना, दोनों शर्मा किस लिए, ये लो माही आप। लड़की सोबत नहीं खात बनते में, लड़की सोबत नहीं खात में, लड़की सोबत खा अद्विक। भुट्टा लेके आ जाओ और साथ में कुरकुरे भी पतले वाले। पूरा पेटरा खत्म हो गया, इनकी टी शर्ट सूख रही है यहाँ पे। काला मीठा है ना, अब
कैसा? बढ़िया, जलदा रवाना। अच्छा, और क्या क्या चाहिए? बस गाइस, पहुंचने ही वाले हैं हमारे सिटी के पास। और यहाँ पर बीच में ही एक मंदिर टाइप में बन रहा था, वो मैंने सोचा चलो आपको दिखा देती हूँ। ये ना पता नहीं घर टाइप में पहले बनाया, मतलब ऐसे ईंटों से बनाया, और उसके बाद ये ऊपर से कुछ तो भी लगा रहा है। हम लोगों ने सोचा ये क्या लगा रहा है, इसी वजह से सोचा आपको दिखा दूँ। अगर आप में से किसी को पता हो तो आप कमेंट में बता सकते हो मुझे। तो ये इस तरह से कुछ तो भी बन रहा है, अभी पता नहीं, बनने के बाद तो एक बार आएंगे कभी तो आपको दिखाई दूंगी। गाइज, यहाँ से जब निकले हम लोग डायरेक्ट हमारे घर नहीं गए, सिटी वाले घर नहीं गए, गांव के घर गए, क्योंकि सबसे मिलना था हमें, तो इसी वजह से गांव गए और उसके बाद उनसे मिल के हम लोग फिर हमारे सिटी वाले घर आए। तो इस चक्कर में मैं थोड़ा सा मतलब लेट पहुँचे ना, तो इसीलिए ब्लॉग को एंड नहीं कर पाई। तो गाइज, यहाँ पर ही मैं इस ब्लॉग को एंड करती हूँ और मिलती हूँ गाइज अच्छे से नए ब्लॉग में आपसे। आई होप आपको ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। और इसके अलावा दो और चैनल है मेरे, आप चाहो तो मुझे वहाँ पर भी सब्सक्राइब कर सकते हो। दोनों चैनल का लिंक और इंस्टा का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कर लेना। तो चलिए फिर, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल, बाय गाइज।